नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है। यहाँ पर देखिए, योगेश शर्मा ने कमेंट किया है कि सर, फोटोशॉप में बैकग्राउंड हटा के कोरल ड्रॉ में ला सकते हैं क्या? तो सबसे पहले योगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। तो आप यह जानना चाहते हैं कि फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड हटा के कोरल ड्रॉ में ला सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ योगेश जी, बिल्कुल ला सकते हैं और मैं वो तरीका दिखाता हूँ आप कैसे फ़ोटोशॉप से बैकग्राउंड हटा के से फ़ोटो को कैसे लेकर आएंगे कोरल ड्रॉ में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मेरा ये, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये देख सकते हैं मेरा कोरल ड्रॉ 11 खुला हुआ है। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे ला के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कोरल ड्रॉ 11 के अंदर, ये पेज के अंदर आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है और प्लस ये यहाँ पे देखिए एडोबी फोटोशॉप के अंदर आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल फ़ोटो है। देखिए यहाँ पर ये वाला, देखिए बैकग्राउंड इसका ग्रीन है और इस फ़ोटो को मैं कोरल ड्रॉ के अंदर लेकर आया हूँ। अब मैं कैसे लाया मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस फ़ोटो को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर दिया, देख सकते हैं मेरा कोरल ड्रॉ 11 खुला हुआ है और यहाँ देखिए फ़ोटोशॉप भी मेरा खुला हुआ है, साथ में खुला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करना होता है फ़ोटोशॉप के अंदर, वो आपको यह करना होगा कि मैं फ़ोटोशॉप को भी पूरा का पूरा ये फ़ोटो क्लोज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप एडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन करें और यहाँ पे फाइल में जाएँ, उसके बाद न्यू पे क्लिक करें, नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर जिस नाम से पेज आपको क्रिएट करना है यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर साइज ले लीजिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर लेता हूँ 640x480 का साइज ले रखा है, पिक्सल में ले रखा है। उसके बाद नीचे आएंगे कंटेंट पे, तो यहाँ पे देखिए वाइट है, बैकग्राउंड है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दिया, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए बैकग्राउंड में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड के अंदर ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद आप फ़ोटो लेकर आता हूँ जिसे मुझे कोरल ड्रॉ में ले जाना है। तो उसके लिए मैं फ़ोटोशॉप में गया, यहाँ फाइल में जाऊँगा, उसके बाद ओपन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जिस फ़ोटो को भी मुझे ले जाना है उस फ़ोटो लेकर आता हूँ मैं। एक नॉर्मल सा फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बहुत सारा फ़ोटो है। यहाँ पे इसे मैं ओपन कर दिया, देखिए यहाँ पे फ़ोटो है, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए एक फ़ोटो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और एक अलग सा विंडो में देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया। ये देखिए ये फ़ोटो आ गया। अब इस फ़ोटो में देखिए बैकग्राउंड, देखिए ग्रीन बैकग्राउंड है, कोई सा भी बैकग्राउंड है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फ़ोटो को मैं अपने पेज में लेकर जाऊंगा। तो फ़ोटो का विंडो जो खुला हुआ है इस फ़ोटो, ये देखिए फ़ोटो के ऊपर माउस पॉइंटर रखिए और इसे ड्रैग करते हुए अपने फ़ोटोशॉप के जो पेज है, नया पेज जो क्रिएट किया है उस पर ला के रख दीजिए। ये मेरा देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ गया, इसे मैं थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा कर लेता हूँ। ये मैं कॉर्नर पोर्शन में रखा और इसे, ये देखिए मैं इसे ड्रैग करके छोटा कर लेता हूँ। इस तरह मैं इसे अंदर की तरफ पुश करूँगा ऑल्ट पकड़ के, तो इसे मैं छोटा कर सकता हूँ। ये मैं, ये देखिए फ़ोटो को मैंने छोटा कर लिया, नॉर्मल सा फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको क्या काम करना है, अब जैसे सिमिलर एक ही बैकग्राउंड है, इसमें सिर्फ कलर जो है बैकग्राउंड का वो देखिए सिर्फ ग्रीन है, तो एक ही कलर रहेगा तो उसको आपको सिलेक्ट करने में बड़ी आसानी होता है। तो वो एक टूल मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोटोशॉप में जाइए, ये देखिए ये जो टूल है मैजिक वन टूल, इस पर क्लिक कीजिए और बैकग्राउंड जो है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट, अभी देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हुआ, अभी इस पोर्शन ब्लैंक रह गया, इधर सिलेक्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ये वाला सिलेक्ट हो गया, साथ में ये वाला भी, अगर नीचे वाला पोर्शन जो रह गया उसे भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस मैजिक वन टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर उसका प्रॉपर्टी बार आपको शो करेगा। यहाँ पे एक और टूल है ऐड टू सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ सिलेक्शन उसको भी आप इस तरह क्लिक करके सिलेक्ट कर दीजिए। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या कर देना, डिलीट कर, कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस कर देना है तो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो गया, बैकग्राउंड जो भी था वो मैंने डिलीट कर दिया। अब ये जो सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा उसे रिमूव कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए मेनू बार में जाइए फ़ोटोशॉप के अंदर, उसके बाद सिलेक्ट में जाइए, डी सिलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए पीछे का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और ये सिर्फ फ़ोटो रह गया है यहाँ पे।
और ये मैंने मूव टूल पे क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोल ड्रॉ को ओपन करना है। ये देखिए मैं कोल ड्रॉ क्लिक कर दिया, मेरा देखिए यहाँ पे कोल ड्रॉ 11 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और फोटोशॉप 7.0 का। तो यहाँ पे देखिए कोल ड्रॉ देखिए ऑलरेडी पहले से मेरा खुला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मेनू बार, उसके बाद ये देखिए पेज, ये देखिए टूल बार, ये मेरा कोल ड्रॉ खुला हुआ। अब आपको क्या करना है, फोटोशॉप भी साथ में खुला रखना है और ये फोटोशॉप के ये जो पेज है जहाँ पे जिस जगह पे आपका फ़ोटो है उसको भी साइड बाय साइड रख दिया। फ़ोटो के ऊपर माउस पॉइंटर आपको रखना है, इसको थोड़ा सा फ़ोटोशॉप को मैं थोड़ा ड्रैग करके थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर देता हूँ इस तरह। अब देखिए ये जो फ़ोटोशॉप, देखिए यहाँ पे फ़ोटोशॉप ध्यान से देखिएगा, एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर ये फ़ोटो है और ये पीछे देखिए मेरा कोल ड्रॉ खुला हुआ है। अब इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखना है, ये जो मूव टूल है इसके ऊपर रखिए फ़ोटोशॉप के अंदर, ये देखिए मूव टूल है इस पर क्लिक कीजिए, फोटो के ऊपर माउस पॉइंटर रखिए और ड्रैग करते हुए कोल ड्रॉ के पेज पे लाके, ये देखिए मैं कोल ड्रॉ के पेज पे लाके रख दूंगा। एक प्लस का साइन आएगा साथ में, ये क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे फोटो देखिए मेरे कोल ड्रॉ के अंदर सेम फोटो, ये देखिए ये फोटो है और सेम फोटो कोल ड्रॉ के अंदर। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोल ड्रॉ फोटोशॉप में जाना है, उसके ऊपर जिस फोटो का आपने बैकग्राउंड हटा दिया है उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखना और ड्रैग करते हुए कोल ड्रॉ जो खुला हुआ उस पर ला कर रिलीज़ कर देना। देखिए यहाँ पे फोटो मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फोटो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह हम फोटो लेकर आ सकते हैं, फोटो एडोबी फोटोशॉप से कोल ड्रॉ के अंदर फोटो ला सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और फिर उसे कोल ड्रॉ में कैसे लेकर आते हैं। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छा लगा तो कम से कम डिसलाइक कीजिए। और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।